हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, जीएम क्रॉप से रिलेटेड और उसमें जीएम मस्टर्ड जो है अपना, उससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा एडिटोरियल आया, जीएम क्रॉप डिसीजन डेट कट्स दी मस्टर्ड। देखते हैं क्या है। दी अडॉप्टेशन ऑफ साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट सच एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जीएम होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, फॉर डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली इंजीनियरिंग का यूज़ करके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनता है। और क्रॉप सच एज सप्लीमेंट टू कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड हैज़ बिकम एन एब्सोल्यूट नेसेसरी टू एड्रेस दी बर्जियनिंग एंड कॉम्प्लेक्स चैलेंज ऑफ अचीविंग ग्लोबल फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अंडर द फास्ट चेंजिंग क्लाइमेट। तो उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एंड फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, तो 2019 में ये रिपोर्ट आया था, इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव द जीरो हंगर टारगेट बाय 2030। तो 2030 तक जीरो हंगर का टारगेट हम अचीव नहीं कर पाएंगे। जीरो हंगर क्या है? आपका सस्टेनेबल गोल भी है, तो आप उसमें मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में कौन से नंबर वाला है। द एम्फेसिस नीड टू बी ऑन एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ इम्प्रूविंग क्रॉप्स जेनेटिकली इन ऑर्डर टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एंड बिकम सेल्फ रिलायंट। वी रिक्वायर सुपीरियर क्रॉप वेराइटी एंड हाइब्रिड दैट प्रोवाइड इन्हेंस्ड यील्ड। इन्हेंस्ड यील्ड्स का मतलब जो एक एकड़ में बिना इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किए हम लोग मानिए 100 किलो निकाल रहे हैं, तो वही एक एकड़ में 200 किलो हो जाए, तो वही यील्ड बढ़ जाए, तो इन्हेंस यील्ड ये होता है। एंड वाइड अडेप्टेबिलिटी अक्रॉस इन्वायरमेंट, तो अलग अलग इन्वायरमेंट में जगह पे भी यूज़ हो। जैसे कोई सलाइन जगह क्रॉप उगता है तो उसको ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाई कर दो कि वो नॉर्मल वाटर में भी उगे और नॉर्मल वाटर सलाइन में भी उगे, तो ये मतलब अक्रॉस इन्वायरमेंट उसका वो करो। एंड रिक्वायर फ्यूअर इनपुट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो फ्यूअर इनपुट्स का मतलब आपका वही हो जाता है, पेस्टिसाइड्स हो गया, कोई ऐसे पेस्टिसाइड्स जो डालते हैं उसकी ज़रूरत ना पड़े तो किसान को सस्ता पड़े, और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे आपके फर्टिलाइजर्स हो गए, उसके बिना भी काम हो जाए। तो मतलब ये सब कब होगा? जब क्रॉप जेनेटिकली आपका डेवलप होगा। तो वही हो गया जेनेटिकली इंजीनियरिंग से, और आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन्हीं सब चीज़ों के लिए बनता है। द एडवेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960s एंड 70s रिजल्टेड इन इन्हेंस्ड फूड प्रोडक्शन फ्रॉम दी मेयर 50 मिलियन टन इन 1950-51 ओवर 300 मिलियन टन इन 2020 एंड 21। तो बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट हुआ है यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन से आप देख रहे हैं। हाउएवर न्यू बायोटेक जीएम क्रॉप्स वर इम्प्रूव ट्रेड्स आर अ मस्ट इन ऑर्डर टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज एंड प्रोड्यूस न्यूट्रिशियन डेंस फूड। और अब जो है क्वालिटी के ऊपर फोकस हो रहा है क्वांटिटी से ज़्यादा, ये चीज़ बात हो रही है कि आपका उसमें न्यूट्रिशन हो और क्लाइमेट चेंज से वो इम्यून हो और क्लाइमेट चेंज को वो और वर्सन ना करे। क्वालिटी हो हमने अचीव कर लिया, अब क्वालिटी की बात आ रही है। मोर क्रॉप्स अंडर जीएम, देखते हैं क्या है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स यूजिंग द अवेलेबल एंड वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन कंजक्शन विद द ट्रेडिशनल फार्मिंग हैज़ been well documented for increased productivity, contributing a global food, feed and fiber security, according to a report by the International Service of the Acquisition of Agri Biotech Appliances, ISAC नहीं, ISAAA, 2020, total 72 countries have adopted GM crops either as human food or animal feed, as well as commercial cultivation. 56% of global GM area is in developing countries compared to 44% in industrial countries. GM crops have been benefited from more than 1.9 billion people in 5 countries: Argentina, Brazil, Canada, India, and United States. तो इसमें इतने ज़्यादा लोग इससे already benefits ले चुके हैं। और 26% of the current world population of 7.6 billion. BT cotton, अब देखिए BT cotton आपका एक genetically modified cotton है, BT cotton. was commercialized as a first GM crop in India more than 20 year ago. तो 20 साल से भी ज़्यादा हो गया BT cotton यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, और ये पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप था इंडिया का। एंड हैज़ बीन व्यूड ग्लोबली एज अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक एडवांटेजेस टू फार्मर टू द नेशन। तो ये फार्मर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है। ग्लोबली जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज़ एक्सपेंडेड इट्स रीच बियॉन्ड द मेजर फोर क्रॉप्स, मेज, सोयाबीन, कॉटन एंड कनोला। तो यहाँ तक ये एक्सपेंड हो चुका है। तो अदर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स ऑफ वेरियस ट्रेड सच एज इंसेक्ट एंड हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें जीएम में इम्प्रूव हो रही हैं।
देखिए इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, मतलब इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड उसमें डालना नहीं पड़ रहा है, वो ऑलरेडी उसमें ऐसा मॉडिफिकेशन हो रहा है जेनेटिक्स में उसके कि ऑलरेडी इन सब चीज़ों से इम्यून रह रहा है, ज़्यादा उसमें क्वालिटी उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा रह रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ग्लोबल इकोनॉमिक गेन कंट्रीब्यूटेड टू जीएम क्रॉप्स हैव अमाउंटेड टू $224.9 बिलियन इन इकोनॉमिक बेनिफिट टू मोर देन 16 मिलियन फार्मर्स, 95% ऑफ हुम आर फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। फर्दर जीएम फूड क्रॉप्स सिंस अडॉप्टेशन इन 1996 ग्लोबली हैव बीन प्रूवन फॉर दी बायो सेफ्टी फॉर द लास्ट 25 ईयर एंड मोर। इन एडिबल ऑयल डेफिसिट अ फोकस ऑन मस्टर्ड, तो जब सब बात हो रही है तो यहाँ पे ऑयल डेफिसिट होता है तो मस्टर्ड को भी हम लोग यही बोल रहे हैं कि जीएम क्रॉप बनाओ उसको। इंडिया फेसेस अ मेजर डेफिसिट इन एडिबल ऑयल विद 60% ऑफ इट्स डिमांड बींग मेट बाई इम्पोर्ट्स, तो मतलब 60%, अगर 100 किलो तेल पूरे देश में यूज़ हो रहा है तो 60 किलो तेल तो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, देश में बस 40 किलो बन रहा है, तो वो बात हो रही है, ये एग्जाम्पल है, परसेंटेज 60% है। मस्टर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिबल ऑयल क्रॉप इन इंडिया, तो मस्टर्ड तो हमारे लिए बहुत पता इंपॉर्टेंट होता है, सरसों का तेल, ये वही बात हो रही है। हवेवर इट्स पर हेक्टेयर यील्ड इज़ वेरी लो, पर हेक्टेयर यील्ड लो है, तो मतलब ये पर हेक्टेयर बहुत कम उगता है व्हेन कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज। दस इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ मस्टर्ड इन कंट्री इज़ अ वाइटल फॉर इकोनॉमिक वेल बींग ऑफ फार्मर एंड सेल्फ सफिशियंट इन एडिबल ऑयल प्रोडक्शन, तो बोल रहे हैं कि इसको ऐसा करो कि इसका यील्ड बढ़ाओ, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंस यहाँ पे इसके यील्ड की दी जा रही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यील्ड बताया आप लोगों को, यील्ड भी एक फैक्टर होता है, तो यहाँ पे यील्ड की बात हो रही है। यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सटेंसिव रिसर्च हैज़ बिन कैरिड आउट एट सेंटर ऑफ जेनेटिक मैन्यूपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली साउथ कैंपस टू क्रिएट अ जीएम मस्टर्ड, देखिए जीएम मस्टर्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 विथ हायर विगर एंड यील्ड, दिस विल फैसिलिटेट एन इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल एज वेल एज एनहेंस्ड फार्म इनकम्स। तो यहाँ पे आप देखिए इसका नाम ये है DMH11, इसका यहाँ यहाँ पे रिसर्च चल रहा है दिल्ली साउथ दिल्ली कैंपस में यही सब। द जीएम मस्टर्ड हाइब्रिड, ये जीएम मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11 एक ही है, इज बेस्ड ऑन बार्नीज बार्नर्स बार स्टार सिस्टम विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिमूविंग मेल फर्टिलिटी इन वन पेरेंट एंड रिस्टोरिंग इट इन ऑफ स्प्रिंग। द हर्बिसाइड टॉलरेंस जीन हैज बीन डिप्लॉयड एज अ सेलेक्शन मार्कर फॉर डेवलपिंग जीएम मस्टर्ड, तो हर्बिसाइड का आप देखिए ये एक लाइन में समझाने की चीज नहीं है, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझको बताइए, मैं प्रॉपर डायग्राम के साथ किसका हर्बिसाइड का क्या निकल रहा है और किसका कौन सा जीन हम चेंज कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताऊंगा। और यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो बारस्टार और बार्नीज का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप बताइए, अभी आपको बस इतना जानना है बारस्टार बार्नीज का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इसमें से प्रिंसिपल मेल फर्टिलिटी को एक पैरेंट में से निकाल रहे हैं और उसको रिस्टोर कर रहे हैं उसके ऑफस्प्रिंग में, जिससे क्या हो रहा है उसका पेस्टिसाइड वाला देखिए हर्बिसाइड टॉलरेंस जो है उसके जीन का डिप्लॉय कर रहे हैं दूसरे जीन में, तो यही बात है। वाइल द यूज ऑफ हर्बिसाइड्स इन हर्बिसाइड टॉलरेंट HT क्रॉप्स हैज एन एडवांटेज इन टर्म ऑफ सेविंग सॉइल मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन बिसाइड इफेक्टिव वीड कंट्रोल, द हर्बिसाइड टॉलरेंस जीन इन जीएम मस्टर्ड इज प्राइमरली यूज फॉर सेलेक्टिंग जेनेटिकली ट्रांसफर्ड लाइन एंड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन एडिंग सेल्फ रिलायंस। ऑन October 25, 2022 द जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब ये GEAC ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, तो ये MOFCCC वाला हिसाब है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ किधर गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ MOEFCC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मेड अ लैंडमार्क डिसीजन ऑफ अप्रूविंग द रिलीज ऑफ DMH11 एंड इट्स पेरेंट लाइन ऑफ कल्टिवेशन, तो यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है उसको पिछले साल ही। दिस विल हेल्प बूस्ट डी वाइब्रेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च सेक्टर इन द कंट्री एंड इनेबल जनरेशन ऑफ न्यू क्रॉप वेराइटी विथ इम्प्रूव ट्रेड्स, तो इम्प्रूव ट्रेड्स क्या है हमने देखा है, हर्बिसाइड्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे हम उसको ऑलरेडी हर्बिसाइड टॉलरेंस बना रहे हैं। एज द मस्टर्ड वेराइटी इन इंडिया हैव वेरी नैरो जेनेटिक बेस, द डिसीजन ऑफ GEAC टू अलाउ बार्नीज बास्टर 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 नहीं बार स्टार बेस्ड हाइब्रिड प्रोडक्शन इन मस्टर्ड पेव द वे फॉर ब्रीडिंग ऑफ मस्टर्ड हाइब्रिड नॉट ओनली फ्रॉम हायर यील्ड बट ऑल्सो टू इंश्योर रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड इम्प्रूव ऑयल क्वालिटी, तो इससे ऑयल क्वालिटी भी इम्प्रूव होगा।
दिस एडवांसमेंट विल बेनिफिट फार्मर बाय इंक्रीजिंग यील्ड पर हेक्टर। अब देखिए कैसे होगा, यील्ड पर हेक्टर इंक्रीज होगा, ऑल्सो लीडिंग टू एन इंक्रीज इन देयर इनकम, तो इससे इनकम भी इंक्रीज होगा। द डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ एडिबल ऑयल इज अराउंड 25 मिलियन टन, वाइल द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड ऑयल वॉज अप्रॉक्सिमेटली 8.5 मिलियन टन्स इन ईयर। इतना इंडियाज एडिबल ऑयल इम्पोर्ट वॉज अप्रॉक्सिमेटली 13 मिलियन टन्स, तो ये अपना इम्पोर्ट है, विच टच 1.17 लाख करोड़ इन वैल्यू टर्म्स, तो ये इसका पैसा इतना लग गया भैया। कल्टिवेशन ऑफ दिस जीएम मस्टर्ड हाइब्रिड डेवलप इंडिजिनियसली कुड हेल्प इनहेंस फार्मर इनकम, रिड्यूस दी, देखिए पहला वो हो गया, ये हमारा पहला हो गया, यहाँ पे इनकम दूसरा हो गया, यहाँ पे ये थर्ड, रिड्यूस द ऑयल इम्पोर्ट बर्डन एंड हेल्प अचीव मच नीडेड सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल प्रोडक्शन, तो ये तो थर्ड में लिखिए, नहीं तो इसको फोर्स कर दीजिए। द इन्वायरमेंट रिलीज ऑफ डी एम एच इलेवन, वो ये हाइब्रिड जो है आपका जीएम मस्टर्ड का, मार्क्स द बिगनिंग ऑफ न्यू एरा इन सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर, मोर इम्प्रूव जीएम फूड क्रॉप आर नीडेड टू बी बूस्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडियन फार्मर, और ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे इनकम हो गया। तो इस आर्टिकल में देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या हो जाता है, ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं चीज़ें, बस एक ही चीज़ है यहाँ पे, जीएम मस्टर्ड, या इसको बोला जाता है डीएमएच 11, ये आपका हाइब्रिड है। और दूसरा आप देखिए यहाँ पे हमारे लिए क्या हो जाता है, बीटी कॉटन इंडिया में पहली बार आया था तो यही इंट्रोड्यूस हुआ है। और तीसरा आप देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या इसका फ़ायदा होगा, एक तो यील्ड पर हेक्टर आपका बढ़ जाएगा, दूसरा आपका ऑयल इम्पोर्ट कम हो जाएगा, एडिबल ऑयल इम्पोर्ट, तीसरा आप सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, फोर्थ सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर आएगी, फिफ्थ आपका फार्मर के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स तो आपको यहीं पे मिल गए, फार्मर का इनकम यहाँ पे है। और आप देखिए हमारा जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट 13 मिलियन, एक ये फैक्चुअल डेटा, 13 मिलियन, 1 लाख करोड़, लगभग लगभग 1 लाख करोड़ आपका ये इम्पोर्ट में जा रहा है, जो इतना पैसा जा रहा है, तो वो हम अगर सेल्फ रिलायबल बनेंगे, सेल्फ रिलायंस बनेंगे, हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। ये डीएमएच 11 कहते हैं, जीएम मस्टर्ड है, हाँ, और इसमें बार्नीज बार्स्टर सिस्टम यूज़ हो रहा है, किस लिए, मेल फर्टिलिटी को उधर कर रहे हैं, किस लिए, हर्बिसाइड टॉलरेंस के लिए, बस इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए इस आर्टिकल में, और एज सच हमारे लिए इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं है। हाँ सॉरी, एक चीज़, जीरो हंगर आप यहाँ पर एड्रेस कर सकते हैं, इसके ऊपर आप देख सकते हैं जीरो हंगर क्या है, बस इस आर्टिकल में हमारे लिए और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। सो थैंक यू एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।